Assalamualaikum dear students, I am a teacher of Junior Campus High School. Hope so all of you will be fine. Today we will discuss lecture number 1 of unit number 1, Science and Technology. Okay dear students, welcome to new class. और जैसे कि आप लोगों को पता है कि अगर कंडीशंस के अकॉर्डिंग देखें तो ये टाइम पीरियड जो है वो हमारे लिए एक टफ़ टाइम चल रहा है, लेकिन इसके बावजूद वो अपने लेक्चर्स को प्रॉपरली सुनना है, स्टडी करना है और उसको समझना है और उसको अपने नोटबुक पे राइट करने के बाद लर्न करना है. फर्स्ट डे से जो भी स्टूडेंट अपना काम प्रॉपरली और रूटीन वाइज करता है तो लाइफ में उसके लिए कुछ भी टफ नहीं होता, वो एक सक्सेसफुल स्टूडेंट जो है वो ज़रूर बनता है. तो ठीक है, आप लोगों ने फर्स्ट डे से ही अपना लेक्चर जो है वो बिल्कुल बेसिक पॉइंट से स्टार्ट करना है. तो आज हम अपना लेक्चर नंबर 1 जो है वो यूनिट नंबर 1 साइंस का स्टार्ट करेंगे. लेट स्टार्ट, ओपन द पेज साइंस एंड टेक्नोलॉजी. इस चैप्टर के अंदर बेसिकली आपको थोड़ा सा साइंस और आने वाली जो टेक्नोलॉजीज़ हैं उनके बारे में थोड़ी सी इंफॉर्मेशन जो है वो प्रोवाइड की जाएंगी. फर्स्ट 2 से 3 पेजेस जो हैं वो आपके लर्निंग वाइज हैं, रीडिंग वाइज हैं, कि आप लोगों ने जानना है कि पहले टाइम पीरियड के अंदर लोग जो थे वो साइंस के बारे में क्या समझते थे, आहिस्ता आहिस्ता किस तरह टेक्नोलॉजी के दौर में आगे बढ़े. नाउ लेट स्टार्ट. फर्स्ट वन इज़ लेट एक्सप्लोर व्हाट साइंस एक्चुअली. ठीक है, कि सबसे पहले बेसिक जो पॉइंट है आप इसको बिल्कुल एक कहानी के लिहाज से भी अंडरस्टैंड कर सकते हैं. जिस तरह हम एक स्टोरी टेलिंग के अंदर पॉइंट समझते हैं कि अगर कोई चीज़ स्टोरी वाइज है तो वो किस तरह किस पॉइंट से स्टार्ट हुई और एंडिंग जो है वो कहाँ पे जा रही है, सेम एज़ आप लोगों ने साइंस को कि साइंस क्या थी, लोग जो है वो टाइम पीरियड में इसको किस तरह समझते थे और किस तरह लेटर ऑन अब तक अगर आप बात करते हैं तो आप लोगों को पता होगा कि साइंस एक ऐसी थिंकिंग है, ऐसी इन्वेंशन है कि जिसकी स्टडी या जिसके बारे में इन्वेस्टिगेशन जो है वो अभी तक कंटिन्यू है. ठीक है, ऐसा नहीं आप लोग देख रहे होंगे पहले टाइम पीरियड के अंदर ना मोबाइल फ़ोन्स थे ना कंप्यूटर्स थे. इवन दो के आज अगर आप अपना लेक्चर जो है वो रिकॉर्डेड फॉर्म में घर बैठ के सुन रहे हैं तो जस्ट इट इज़ बिकॉज ऑफ साइंस. ठीक है, तो साइंस के बारे में हम सबसे पहले जो है वो स्टडी करते हैं और देखते हैं कि साइंस जो है वो बेसिकली क्या है. साइंस इज़ द प्रोसेस ऑफ एक्वायरिंग नॉलेज अबाउट हाउ लिविंग एंड नॉन लिविंग थिंग्स वर्क एंड बिहेव. साइंस एक ऐसा मरहला है जिसमें हम जानदार और बेजान चीज़ों के बारे में स्टडी करते हैं और हम इस चीज़ के बारे में जानते हैं कि साइंस के लिविंग और नॉन लिविंग थिंग्स जो हैं वो किस तरह काम कर रही हैं और उनका बिहेवियर कैसा है. आप लोगों को पता है कि हर चीज़ हर इंसान का बिहेवियर एक जैसा नहीं होता. अगर एक 2 पर्सन हैं उनके कंपैरिजन अगर हम उनका कंपैरिजन कर रहे हों तो आप लोग देखते हैं कि एक पर्सन की नेचर और तरह की होती है, दूसरे की और तरह की होती है. तो हर एक का बिहेवियर अलग होता है, हर एक के काम करने का अंदाज़ जो है वो अलग होता है. यू कैन टेक एग्जांपल ऑफ योर क्लास स्टूडेंट्स कि हर एक का बिहेवियर कैसा है और हर एक जो है वो काम किस तरह कर रहा है. तो बेजान चीज़ें और जानदार चीज़ें जो है वो एक जैसा काम नहीं करती, उनका बिहेवियर उनके काम करने का अंदाज़ डिफरेंट होता है और इनके काम करने के अंदाज़ को समझना, उसके बिहेवियर को रवैये को अंडरस्टैंड करना, उनके बारे में इल्म हासिल करना, इस चीज़ को साइंस कहा जाता है. लेकिन अगर हम अपने आज के दौर और पिछले दौर के बारे में बात करें तो आप लोगों को अभी मैंने एग्जांपल दी कि आप लोग आज जो हैं वो अपने घर बैठे लेक्चर रिकॉर्डेड लेक्चर जो है वो सुन रहे हैं और उनको अंडरस्टैंड कर रहे हैं. ये पहले टाइम पीरियड के अंदर ऐसा बिल्कुल भी नहीं था. लोग एक दूसरे के साथ कॉन्टैक्ट करने के लिए उनको कितने कितने दिन तक वेट करना पड़ता था, वो ख़त की फॉर्म के अंदर एक दूसरे से रब्ता जो है वो कायम करते थे. ठीक है, तो लेटर ऑन जो है वो आहिस्ता आहिस्ता साइंस के अंदर जो है वो डिफरेंट टेक्नोलॉजीज़ के थ्रू तरक्की हुई और आज जो है वो टाइम पीरियड यहाँ तक पहुँच चुका है. तो यही बात है कि अगर इल्म हासिल करने के हवाले से हम बात करें कि लोग जो है वो इस बारे में जानना चाहते थे कि काफ़ी टाइम पीरियड के अंदर के नॉलेज इल्म की कोई भी लिमिट नहीं होती, तो अगर साइंस ने आज तरक्की किया वो सिर्फ़ और सिर्फ इल्म की बदौलत है.
ठीक है। अगर आज आप तरक्की कर रहे हैं तो आप लोग नेक्स्ट क्लास से प्रमोट हुए हैं, यू कैन से डैट कि आपके पास नॉलेज है, उसकी बेस के ऊपर जो है वो ज़िंदगी में आप आगे बढ़े हैं। तो सेम एज़ किसी भी चीज़ के बारे में इल्म हासिल करना, उसको आगे लेकर चलना, उसको अपनी दुनिया में अप्लाई करना, ये बेसिकली नॉलेज है, ठीक है। तो साइंस का नॉलेज चूँकि डेवलपमेंट की बेस के ऊपर होता है, तो इस वजह से डिफरेंट डेवलपमेंट के अंदर तरक्की करना और उसके इल्म चीज़ों के बारे में अंडरस्टैंड करना, नेचर के बारे में अंडरस्टैंड करना, ये सारी चीज़ें जो है वो साइंस में आती हैं। ओके डियर स्टूडेंट, ये जो जस्ट जो सन के हवाले से अगर हम अपनी डिटेल की बात करेंगे, ये जस्ट जो है वो मैं आपको एक स्टोरी टेलिंग की तरह बताऊंगी ताकि आप लोगों के माइंड में बैठ जाए कि पहले टाइम पीरियड के अंदर लोग जो है वो इसको किस तरह अंडरस्टैंड करते थे और किस तरह इसके बारे में उनके व्यूज़ थे, ठीक है। तो बिल्कुल पहले, बहुत पहले टाइम पीरियड की अगर हम बात करें, तो सूरज आज से तो नहीं निकल रहा, जब से ये दुनिया बनी हुई है अल्लाह ताला ने दुनिया के अंदर रोशनी पैदा करने के लिए सूरज को एक ज़रिया बनाया जो कि हमें एनर्जी फ्राहम करती है। तो सेम एज़ पहले टाइम पीरियड के अंदर जब लोगों के पास इतना इल्म नहीं था तो उनको इस बारे में नॉलेज भी नहीं था, वो समझते थे कि सूरज जो है वो बिल्कुल निकलता है और इसके अंदर से ही हमें एनर्जी मुहैया करता है, ठीक है। तो उन सब के लिए थोड़ा सा इसके बारे में सोचना कि किस तरह ये निकलता है और ये किस तरह हमें एनर्जी देता है, कैसे ग्रुप होता है तो अंधेरा हो जाता है और जब ये निकलता है तो हमें रोशनी मुहैया करता है, उनके बारे में एक ये मसला था। लेकिन उन्होंने चूंकि उनके माइंड जो थे उनको साइंटिफिकली प्रूव करना नहीं आता था, तो माइंड जो थे वो इतना ज़्यादा सोचने वाले नहीं थे, उन्होंने जस्ट ये कंसिडर कर लिया कि सूरज जो है वो एक खुदा है, ठीक है। उन्होंने इसकी इबादत करना स्टार्ट कर दी, ठीक है। लेकिन आहिस्ता आहिस्ता ऐसा तो नहीं है, उन्होंने फिर क्या किया कि सूरज के बारे में मुशाहदात किए, उसके बारे में इंफॉर्मेशन को कलेक्ट किया। यहाँ पे आपके पास लिखा हुआ ना, लिटल बाय लिटल एज दे मेड ऑब्जर्वेशन एंड कलेक्टेड इंफॉर्मेशन अबाउट द सन एंड द अदर हेवनली बॉडीज़, उन्होंने इनके बारे में इंफॉर्मेशन को कलेक्ट किया। दे रियलाइज डैट इट वॉज जस्ट वन ऑफ द बिलियंस एंड बिलियंस ऑफ द स्टार इन द यूनिवर्स। तो उनको पता चला कि दुनिया में सिर्फ एक सितारा नहीं है, वहाँ पर बहुत लाखों की तादाद के अंदर जो है लाखों करोड़ों तादाद में सितारे मौजूद है, लेकिन चूंकि सूरज जो है वो हमारे सबसे पास है इस वजह से वो हमें नज़र आता है। इवन ये कोई यूनिक चीज़ नहीं है, दुनिया में बहुत ज़्यादा सितारे हैं और ये भी उनके जैसा एक सितारा ही है, ठीक है। लेकिन फिर बाद में बात ये थी कि उन्होंने इसको सितारा तो कंसिडर कर लिया, उन्होंने कहा ठीक है ये एक सितारा है और निकलता है जिस तरह लाखों सितारे मौजूद हैं, लेकिन फिर उनके लिए एक मसला था कि अगर ये एक सितारा है तो ये किस तरह हमें एनर्जी मुहैया करता है, ठीक है। तो मतलब कुछ लोगों ने ये ख्याल किया कि इसके अंदर बहुत ज़्यादा कोयले जो है वो मौजूद हैं, क्योंकि आपको पता है कोयले जब हम जलाते हैं तो हमें एनर्जी मिलती है। सेम एज़ उन्होंने कहा कि इसके अंदर कोयले ज़्यादा सारी अमाउंट में मौजूद हैं, ठीक है। ये सिर्फ जिसको जलाते हैं और ये हमें एनर्जी देता है। यहाँ पर लिखा हुआ है इट वॉज़ जस्ट एन अजम्पशन एंड हाइपोथेसिस। अजम्पशन कहते हैं वो कोई चीज़ जिसको हम फर्ज कर लेते हैं, ठीक हो गया। अगर पिछले कॉन्सेप्ट को कंसिडर किया जाए कि ठीक है इसके अंदर कोयले मौजूद थे, लेकिन आपको पता है कोई भी चीज़ अगर बर्निंग है, जैसे हम कोयले जलाते हैं, एक टाइम ऐसा आता है ना कि कोयले तो ख़त्म हो जाते हैं, इसका मतलब फिर तो उसकी एनर्जी भी ख़त्म हो जानी चाहिए थी, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। सूरज मुसलसल निकलता रहता है, एनर्जी देता है, रोज़ाना निकलता है, रोज़ाना हमें एनर्जी देता है और उसके बाद फिर ये ग़ुरूब हो जाता है, ठीक है। तो उन्होंने कहा अगर इसके अंदर एक कोयले मौजूद हैं तो इनको जलना चाहिए और जलने के बाद तकरीबन 5000 साल के बाद इसको ख़त्म हो जाना चाहिए था, लेकिन ऐसा बिल्कुल ना हुआ। इसका मतलब उनकी जो अजम्पशन थी वो ख़त्म हो गई, यानी वो रॉन्ग कंसिडर हुई। फिर जब उनकी फ़र्स्ट वन जो अजम्पशन है वो रॉन्ग कंसिडर हुई, तो उन्होंने फिर मज़ीद मालूमात जो है वो इकट्ठी करना स्टार्ट कर दी कि किस तरह जो है वो सूरज के अंदर से रोशनी निकलती है, ठीक है। फिर उनको ये पता चला कि सूरज के अंदर हाइड्रोजन, ठीक है, हाइड्रोजन एक एलिमेंट है जो कि एनर्जी जो है वो फ्राहम कर गया। लेकिन फिर बाद में उनका ख्याल था कि इतनी ज़्यादा हाइड्रोजन कैसे हो सकती है जो कि एनर्जी जो है वो फ्राहम कर रही हो। लेटर ऑन उनको इस बात के बारे में पता चला कि सूरज के अंदर दो तरह के एटम्स जो हैं वो मौजूद हैं, जो कि हाइड्रोजन के हैं, डैट इज़ फर्स्ट वन इज़ द ड्यूट्रियम एंड सेकेंड वन इज़ द ट्रिटियम। ये दोनों जो हैं ये हाइड्रोजन के आइसोटोप्स हैं, दोनों हैं हाइड्रोजन ही, लेकिन ये थोड़ा सा इसमें थोड़ा सा डिफरेंस होता है।
जब ये दोनों आपस में रिएक्शन करते हैं ना, ड्यूट्रियम और ट्रिटियम, ये आपस में मिलने के बाद एक गैस बनाते हैं जिस गैस को हीलियम गैस कहा जाता है। ठीक है, तो हीलियम गैस बनती है, साथ उसके इन दोनों के रिएक्शन की वजह से एनर्जी जो है वो प्रोड्यूस होती है। ये वही एनर्जी है जो कि रोशनी की फॉर्म में हम तक आती है, और साथ जो है वो न्यूट्रॉन्स प्रोड्यूस होते हैं। आप ये कंसिडर कर सकते हैं कि दो एटम जो कि ड्यूट्रियम और ट्राइटियम हैं, ये आपस में रिएक्शन करते हैं, तीन चीज़ें हमें मिल रही हैं, हीलियम, एनर्जी एंड न्यूट्रॉन। ठीक है, तो बेसिकली ये वो रिएक्शन है जो कि एक सूरज के अंदर रिएक्शंस होते हैं जिसकी वजह से एनर्जी प्रोड्यूस होती है और वो हम तक पहुंचती है। अच्छा, ऊपर जिन रिएक्शंस के हवाले से हमने बात की है कि ड्यूट्रियम और ट्राइटियम आपस में मिलते हैं, तो ये वाले मतलब करें ड्यूट्रियम और ट्राइटियम, इन दो एटम्स के मिलने से आपके पास एक एटम बन रहा है जो कि हीलियम है। दो छोटे एटम से मिलकर एक बड़े एटम का बनना, उसको फ्यूजन कहा जाता है। ठीक है, तो एटम सूरज के अंदर जो है वो फ्यूजन का रिएक्शन हो रहा है। ठीक है, फिर इस तरह जो कि पीछे रिएक्शंस हो रहे हैं उन्होंने एक्सपेरिमेंट किया, और एक्सपेरिमेंट मतलब कि उन्होंने ड्यूट्रियम और ट्राइटियम का रिएक्शन करवाया, और वाकई में ऐसा हुआ कि हीलियम जो है वो प्रोड्यूस हुआ। मतलब एक्सपेरिमेंट की तजर्बात की बेस के ऊपर उनका जो रिएक्शन है वो ठीक हो गया, तो फिर उन्होंने अपनी थिंकिंग को एक थ्योरी का नाम दे दिया। ठीक है, और आप लोगों ने ये बात याद रखनी है कि जब भी कोई